हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे लास्ट टाइम मैंने ईवीएस का चैप्टर 6 करवाया था क्लॉथ्स, उसके मैंने आपको चैप्टर रीड करवाया था और एक्सरसाइज करवाई थी। आज बच्चे मैं उसको आपको डिक्टेशन एंड वर्ड मीनिंग करवाऊंगी। ओके, सबसे पहले हमने चैप्टर का नेम लिखना है, चैप्टर का नंबर 6 क्लॉथ्स डिक्टेशन। ओके, सबसे फर्स्ट है डिफरेंट। डिफरेंट, इंसेक्ट बाइट्स, इंसेक्ट बाइट्स। कवर्ड, कवर्ड बॉडीज, बॉडीज। एनिमल स्किन, एनिमल स्किन। प्लांट लीव्स, प्लांट leaves। depend, depend। weather, weather। waterproof, waterproof। traditional, traditional। ये बच्चे dictation थी और अब है बच्चे आपका word meaning। okay, वर्ड मीनिंग लिखनी है तो बीचे बेटा सेंटर में आपको लाइन भी ज़रूर लगानी है वर्ड मीनिंग में। एवरी टाइम जब भी मैं आपको करवाती हूँ तो बच्चे आपको ज़रूर समझाती हूँ कि बीच में लाइन भी ज़रूर लगाया करो। सबसे पहले है वियर, पहनना। वियर, पहनना। क्लॉथ्स, कपड़े। क्लॉथ्स, कपड़े। कवर, ढकना। कवर, ढकना। वेदर, मौसम। वेदर, मौसम। कॉटन, सूती। कॉटन, सूती। वूलन, ऊनी। वूलन, ऊनी। हीट, गर्मी। हीट, गर्मी। यूनिफॉर्म, वर्दी। यूनिफॉर्म, वर्दी। मटेरियल्स, सामान। मटेरियल्स, सामान। सिल्क थ्रेड, सिल्क थ्रेड, रेशम का धागा। सिल्क थ्रेड, रेशम का धागा। ये बच्चे मैंने आपको डिक्टेशन और वर्ड मीनिंग करवाए हैं। बच्चे आपने इसको नोटबुक में राइट भी करना है, लिखना भी है एंड लर्न और याद भी करना है। ओके, ध्यान से लिखना है बच्चे, और आप बोल बोल कर लिखोगे तो बच्चे आपको साथ के साथ जल्दी लर्न भी हो जाएगा। ओके।